केटीके बैंक। केडीके बैंक अनिल जी इस समय सेक्टर में सबसे ज्यादा वैल्यूएशन के हिसाब से अट्रैक्टिव दिख रहा है। अब पिछले कुछ समय से जो कॉर्पोरेट लेंडिंग में रेशनलाइजेशन देखने को मिली इस बैंक द्वारा, वो उसने काफी अच्छे से इम्पैक्ट किया है पॉजिटिवली, और रिटेल और मिड कॉर्पोरेट में जो इनका पोर्टफोलियो है वो अच्छे से एक्सपैंड हुआ है। प्रोविजनिंग का जो नंबर्स आए पिछले 2 क्वार्टर से वो भी एक इम्प्रूवमेंट का साइन दिखा रहे हैं। एनआईएम एक्सपैंड कर रहे हैं, कासा इंप्रूव हो रहा है। और एक चीज जो कॉन कॉल में पिछली बार सुनने को मिली, जो बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं हुई, बट ऐसा लग रहा है कि केटीके बैंक में एक अच्छा बड़ा दिग्गज इन्वेस्टर आ सकता है, कुछ प्राइवेट इक्विटी भी आ सकती है। सो वो एक बड़ा ट्रिगर हो सकता है केटीके बैंक के लिए, क्योंकि बैंक ने काफी मेजर्स लेकर काफी इम्प्रूवमेंट करी है, और वैल्यूएशन वाइज आई थिंक कहीं पे भी आसपास नहीं है जो प्राइवेट बैंकिंग स्पेस है। सो आई थिंक यहाँ ही पर बहुत अपसेट लग रहा है हमें। लेकिन ये न्यूज अगर आसपास है तो 85-90 तक के स्तर आ सकते हैं, क्योंकि वैल्यूएशन वाइज आई थिंक अगर डील होती है तो ज्यादा बड़े प्राइसेस पे होनी चाहिए। अगर ओवरऑल स्ट्रक्चर इसका देखें तो मुझे लग रहा है काफी मच्योर हो चुका है। स्टॉक का नाम है HEG। जिस तरीके से इसका पिछले 3 महीने का परफॉर्मेंस है, लगभग 2300-2330 के आसपास आके ये थोड़ा सा थक जाता था, बट जिस तरीके से इसके ADX ने कल के सत्र में एक ब्रेकआउट दिया है 32 लेवल्स के ऊपर, एंड जिस तरीके से फिलहाल इसका जो एक इमीडिएट हर्डल है 2330 के आसपास, वो जिस तरीके से ब्रेक हुआ है कल के सत्र में, मुझे लग रहा है मोमेंटम काफी इंटरेस्टिंग होगा अगले कुछ दिनों में। तो जिस तरीके से पैटर्न है, लगभग 2850 के आसपास के स्विंग्स बनने का पोटेंशियल है। स्टॉप लॉस आपको लगाना है अराउंड 2160 के आसपास, एंड खरीदारी करनी है HEG में 2850 के फाइनल टारगेट के लिए।